बागेश्वर में ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारी लामबंद हुए। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले कर्मचारियों ने रैली निकाली और नई पेंशन योजना के प्रति सरयू में बहा दी। नई पेंशन योजना को समाप्त करवाने की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर पहुंचकर अफसरों के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा और ओपीएस बहाल करने की मांग की। आज हम हमारे द्वारा एक ये संवैधानिक पेंशन मार्ग का आयोजन किया गया था, इसमें हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला हुआ है। इसमें हमारी आगे की जो लड़ाई होगी, हम लोग जो करेंगे, जो अब अक्टूबर में, माह अक्टूबर में हमारे द्वारा दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन है। उसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लड़ाई है, ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जो हमारे जो नए लोग तैयार हो रहे हैं, जो बच्चे अब आगे की तैयारी करते हैं या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे सरकारी सेवा में भेजना चाह रहे हैं, कल के दिन में अगर वो रिटायर होते हैं तो उनके लिए ये बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। उनके जो बुढ़ापे का जो सारा हमारी पुरानी पेंशन है, ये नहीं मिलने की वजह से उन लोगों को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। ओपीएस के आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक बहुत बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें सभी डिपार्टमेंटों के, सभी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी करी। और ये मुहिम है, एक दिल्ली तक जाएगी। जैसे जैसे कि केंद्र से इसके दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, वैसे वैसे कर्मचारी इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज जो ये रैली हुई है, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड सरकार को चेताने वाली रैली के रूप में हुई है और ये बहुत ही जबरदस्त रैली आज की रही है। जो जीता दी जाती थी उसमें उस सरकारी कोष से कर्मचारियों को पेंशन मिलता था, जो कि मूल वेतन का 50% के करीब होता था। तो हमारी ये मांग है, 2004 के बाद जो नई पेंशन जो लागू की गई है, उसको शेयर बाजार के जोखिम के आधार पर है। जितने हमारी कमाई होती है वह सारा धनराशि शेयर मार्केट पर लगती है। उसके 2-3 फंड मैनेजर हैं जो कि नाम मात्र के तो सरकारी हैं, लेकिन वो धन कहाँ जाता है, किस मद में लगता है, वो हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, जिनको कि अभी प्राण नंबर अलॉट लगने में बहुत समय लगा। मैं खुद 2006 में अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था,